अगर आप दिल्ली नोएडा में रहते हैं या अक्सर यहाँ आते जाते हैं और खासकर कैब का इस्तेमाल करते हैं तो जरा पहले ये कहानी सुन लीजिए। नोएडा का रहने वाला एक 24 साल का शख्स दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से एक कैब लेता है। उसे आनंद विहार से नोएडा सेक्टर 58 अपने घर जाना था। वो कैब में बैठता है तो कैब का चालक पढ़ा लिखा मालूम पड़ रहा था। वो खूब बात कर रहा था। कैब में बैठे युवक को लगा कि रास्ता छोटा है लेकिन टाइम पास तो हो ही जाएगा। इसी बीच यात्री को प्यास लगी और उसने कैब चालक द्वारा दिया गया पानी पिया। बस फिर उसके बाद जब उसे नींद आ गई और कुछ वक्त बाद उसकी नींद खुली तो उसे पता लगा कि उसका सफर कितना लंबा और खौफनाक बन चुका था। 12 घंटे बाद जब वो जागा उसने खुद को सेक्टर 62 में सड़क किनारे पड़ा पाया। उसके बाद उसने अपनी जेबें टटोली तो उसका आईफोन, वॉलेट, कैश, गोल्ड, अंगूठी सब गायब था। वो इस छोटे से सफर पर लूट का शिकार हो गया था। उसके बाद क्या हुआ ये जानने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि असल घटना है जिसमें आगे पुलिस ने मोर्चा संभाला। पीड़ित शख्स ने पुलिस को 3 दिन बाद इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने इसके बाद फोन लोकेशन का इस्तेमाल कर एक इलेक्ट्रॉनिक रूट तैयार किया और कैब ड्राइवर को दबोच लिया। कैब ड्राइवर को गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से पकड़ा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि 35 साल का आरोपी सागर ड्रग और डकैती गैंग का सरगना निकला और वो अक्सर इस तरह की लूट की वारदातों को अंजाम देता है। इस घटना से एक और ऐसी जानकारी सामने आई जो आपके लिए सीख के तौर पर काम आ सकती है। दरअसल पीड़ित शख्स कानपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए ही आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आया था लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला तो उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। शख्स ने कहा कि वो रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी की तलाश कर रहा था तभी कैब ड्राइवर ने उससे संपर्क किया। उसे ऐप आधारित कैब सर्विस द्वारा बताए गए किराए से काफी कम किराए पर सवारी की पेशकश की और यहीं उस शख्स को उसका फैसला महंगा पड़ गया। कम पैसे के लालच में आकर वो शख्स टैक्सी में बैठ गया। रास्ते में उसने कैब ड्राइवर को रुकने के लिए कहा क्योंकि उसको प्यास लगी थी। वो पानी की बोतल खरीदना चाहता था। उसने पुलिस को बताया कि ड्राइवर ने एक पानी की बोतल निकाली और यात्री को देते हुए कहा कि वो अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छा भाव बनाए रखने के लिए ये चीजें अपने पास रखता है। यात्री ने पानी पी लिया और उठा तो पाया कि उसका 16,000 नकद, दस्तावेज, आईफोन और अंगूठियां गायब हो गई हैं। डीसीपी मल्होत्रा ने बताया कि इसके बाद चोरी हुए मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड यानी CDR प्राप्त किए गए और मोबाइल फोन की लोकेशन का इस्तेमाल कर एक रूट मैप तैयार किया गया। फिर टीम ने इस मार्ग पर CCTV कैमरों की एक बार फिर से निगरानी की। पुलिस को इसमें अब सफलता मिली। कैब में ट्रैवल करने वालों के लिए अक्सर सावधानी बरतने की बात कही जाती है लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बाद इस तरह की लूट की वारदातों को अंजाम देने के लिए ताक लगाए बैठे लुटेरों को मौका मिल जाता है। आप जब भी कैब बुक करें तो सावधान रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।